हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही सिंपल एक की टाइप का क्वालिफाई करने वाली हूँ, क्वेरी सिमिलरिटी जज ENUS का, जिसमें आपको 2 सेंट मिल रहा है पर हिट में और 10 सेकेंड सेव टाइम है। तो क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफिकेशन में आपको 3 अटेम्प्ट मिलेगा और 10 हिट्स पर क्वालिफिकेशन में आपको करना पड़ेगा। तो क्वालिफाई करते हैं। जो भी मेरे चैनल में आज नए आए हो, या तो फिर आप वीडियो देख रहे हो पर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। जॉब इंटरफेस कुछ ऐसा आता है। आपको क्वेरी 1 और 2 मिलता है। आपको यहाँ पर 2 क्वेरी को देखना पड़ता है कि ये सेम रिलेटेड है या नहीं है। यहाँ पर आपको सेम और डिफरेंट 2 ही ऑप्शन मिलता है, नॉट श्योर कभी नहीं करेंगे। तो ये दोनों को लेके ही हम क्वालिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे। तो सेम कब होता है? जब एकदम सेम टू सेम क्वेरी है तब। और डिफरेंट होता है जब कोई स्पेशल वर्ड मेंशन किया हुआ है, वैसा कुछ। तो क्वालिफिकेशन में आपको वो समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, पहले क्वेरी 1 में दिया हुआ है, वेयर इज ब्लैक मेजर लोकेटेड इन ओक्लाहोमा सिटी। और दूसरे में दिया हुआ है ब्लैक मेजा। ओके, तो यहाँ पर एक लोकेटेड कह के दिया हुआ है, ये मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पर सिंपली ब्लैक मेजा लिखा हुआ है। तो मैं इसे डिफरेंट कर सकती हूँ, तो ये डिफरेंट करके सबमिट करूँगी। तो नेक्स्ट आया है, हाउ फार इज सैटर्न, और यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम सन टू सैटर्न। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सेकंड क्वेरी में, सन से ये इसका डिस्टेंस कितना है। और यहाँ पर नंबर 1 में सिर्फ हाउ फार लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई मेंशन वर्ड नहीं है, अर्थ से है या सन से है ये कुछ। तो इसलिए मैं इसको डिफरेंट कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अर्थ से डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये डिफरेंट होगा। डिफरेंट करके सबमिट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉइसेस मोजोजोजो एंड वॉइस ऑफ मोजोजोजो। तो ये दोनों ही एक ही मीनिंग है, मतलब आंसर भी आप देख सकते हो एक ही आंसर है, तो ये वाला सेम होगा, इसलिए मैं इसको सेम करके सबमिट कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट आया है, हु वॉज रिचर्ड निक्सन्स मदर, और सेकेंड में है प्रेसिडेंट निक्सन्स ग्रैंड मदर्स फैमिली हिस्ट्री। तो एकदम डिफरेंट है, एक में मदर्स के बारे में पूछा है और दूसरे में ग्रैंड मदर के फैमिली हिस्ट्री, तो ये डिफरेंट होगा। डिफरेंट करके सबमिट कर रही हूँ। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ मून्स ऑफ सैटर्न, और यहाँ पर है हाउ मेनी मून्स सैटर्न हैव। तो ये भी क्वेरी सेम है, आंसर भी आप देख सकते हो, तो इसके लिए ये सेम होगा। सेम करके सबमिट कर रही हूँ। नेक्स्ट है, व्हेन डज स्प्रिंग स्टार्ट यूरोप, और नेक्स्ट में स्टार्ट इन आयरलैंड, तो ये भी डिफरेंट है। फिर नेक्स्ट आया है एरिया 323 एरिया कोड, और यहाँ पर 323 फ्रॉम, तो दोनों ही सेम है, कैलिफोर्निया आंसर दिखा रहा है। फिर एरोस क्यूपिड गॉड ऑफ लव, और नेक्स्ट है हु इज एरोस इन ग्रीक माइथोलॉजी। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, एक घुमाकर लिखा हुआ है नेक्स्ट 2 नंबर में, तो ये भी सेम होगा, इसलिए मैं सेम करके सबमिट कर रही हूँ। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द ईस्टमैन कोडक कैमरा, और यहाँ पर हु इन्वेंटेड द कोडक कैमरा। तो एक ही क्वेरी है, तो सेम ही है, आंसर भी आप देख सकते हो सेम है, नीचे जो पिंग सर्च ऑप्शन है उसमें, तो इसको मैं सेम करके सबमिट कर रही हूँ। फिर वेयर इज द कॉस्टा कॉनकॉर्डिया नाउ एंड कॉस्टा कॉनकॉर्ड। तो यहाँ पर 1 नंबर में नाउ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कॉस्टा कॉनकॉर्डिया सीप के बारे में है, तो यहाँ पर नाउ जो वर्ड मेंशन किया हुआ है वो कुछ भी मीनिंग कर सकता है।
तो इसलिए इसको मैं डिफरेंट कर दूंगी, मैं इसे डिफरेंट करके सबमिट कर रही हूँ। तो देखो क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया, ऐसे ही आप क्वालिफिकेशन क्लियर कर लो, बहुत ही इजी हिट ऐप है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।